हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है? तो आइए आपको बताता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि एजुकेशन पॉलिसी हमारी चेंज हो गई है और बहुत जल्द हमारे एकेडमिक में भी ये इंक्लूड होने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हमारे थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी यहाँ पर चेक किया जाएगा, स्टूडेंट के स्किल को भी यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है दोस्तों? किसी भी स्टूडेंट और किसी भी इंसान के आपके मेंटल एबिलिटी को और स्किल को चेक करने का बहुत अच्छा एक जरिया है। और दोस्तों, आपको ये बताना चाहूंगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हो गए मैथ्स रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गए, वर्बल रीजनिंग होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा आपको कि ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है आजकल हर जगह आपके लिए जाते हैं। जैसे कि स्कूल एंट्रेंस के अंदर हो गया, कॉलेज एंट्रेंस में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, या फिर आप जॉब के लिए कहीं जाओगे आप, तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना बहुत कंपलसरी है। तो दोस्तों, आप लोगों लेके आया हूं मैं अनअकैडमी इमर्ज। ये इंडिया लार्जेस्ट फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है जो 6th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट इसमें एनरोल कर सकते हो। दोस्तों, टेस्ट जो है 20 जून को होने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक में क्लिक करके एनरोल कर लीजिए। और जब भी एनरोल करोगे तो आप याद रखिए इमरान10 ये कोड यूज करिएगा। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि ये टेस्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस टेस्ट में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके लिए 60 मिनट आपको दिया जाएगा। और दोस्तों, इसमें हाईफाई प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों, को बताना चाहूंगा 5 करोड़ के प्राइजेस आप जीत सकते हो इसके अंदर, और साथ ही साथ स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकता है। और आपको बताना चाहूंगा प्राइजेस क्या है, बहुत एक्साइटिंग प्राइज है, जैसे मैकबुक हो गया, आईफोन हो गया। और अगर आप पार्टिसिपेट करोगे दोस्तों, तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा ही। और लकी 7 विनर्स को एवरी डे अनअकैडमी की तरफ से उसको गुडी सेंड किया जाएगा। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फटाफट एनरोल कर लीजिए, टाइम बहुत कम रह गया है। तो ऑल द बेस्ट। चलिए दोस्तों, शुरू करते। देखिए, सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड टाइम दिया जाएगा। 30 सेकंड में आपको सॉल्व करना है, कमेंट करके मुझे आंसर देना है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, 30 सेकंड के बाद मैं आपको बताऊंगा कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूं। ऐसे क्वेश्चन जो है दोस्तों एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा जाता है और बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करें। तो आइए दोस्तों, यहां पर देखिए आपको क्या बताने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सही ढंग से आप उसे ऑब्जर्व करोगे, इससे क्या होगा दोस्तों, कुछ ना कुछ हिंट आपको मिल जाएगा। यहां पर देखिए ए है, यहां पर सी, यहां पर ई और यहां पर जी है। हिंट मिल गया दोस्तों। देखिए, यहां पर क्या हुआ है, ए के बाद सी है, मतलब यहां पर बी जो है उसको छोड़ दिया है, और सी के बाद देखिए ई है, मतलब डी भी यहां पर छोड़ दिया है। उसके बाद ई के बाद देखिए यहां पर जी है, और यहां पर एफ को नहीं लिया है। अब दोस्तों, जी के बाद देखिए क्या होगा, एच होगा, और एच के बाद क्या होगा, आई होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहां पर क्या पूछा है, ये वाला नंबर पूछा है, मतलब ये वाला अल्फाबेट पूछा है। तो आप देखोगे दोस्तों, तो जेड के बाद देखिए, मतलब रिवर्स में गया है, जेड वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद क्या होगा, तो ये क्वेश्चन मार्क होगा। तो यहां पर क्या लिखोगे दोस्तों, W लिखोगे, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना, I लिख के मत आ जाना, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में I दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन D इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया है। चलिए, और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और आपका टाइम शुरू होता है अब।
चलिए दोस्तों आपके लिए सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूं। यहां पर देखिए नंबर दिया है, लेकिन नंबर देखिए काफी डिफरेंट नंबर दिए हैं। यहां पर 213 दिया है, इक्वल टू में 419 दिया है, तो ये सब कैसे हो पाया है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो दोस्तों ध्यान दोगे यहां पर 4 है और यहां पर 9 है, तो दोस्तों ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर 2 दिया है, मतलब 2 दिया है मतलब 4 क्या कनेक्शन हो रहा है, आई थिंक इसका क्या किया, स्क्वायर किया है। और दोस्तों यहां पर 3 है तो यहां पर 9 कैसे हुआ होगा, तो इसको भी स्क्वायर किया होगा, लेकिन 1 जो है 1 का स्क्वायर किया कि नहीं किया यहां पर पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए 9 है तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, लेकिन दोस्तों जो मिडिल नंबर है उसको ऐसे ही लिख दिया है, मतलब यहां पर 1 का स्क्वायर नहीं किया है, ऐसे ही 1 लिख दिया है। चलो ये देख लेते हैं हम लोग। यहां पर देखोगे दोस्तों 16 दिया है, तो ये 4 का हमें यहां पर स्क्वायर करना होगा जिससे 16 आ जाएगा, और यहां पर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, और मिडिल नंबर को एज इट इज यहां पर लिख दिया गया है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर 2 दिया है तो 2 का हम अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, मिडिल नंबर को एज इट इज लिख देंगे तो यहां पर मैं लिख दिया मैंने, और 5 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 25 होगा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन कौन सा है, यहां पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। दोस्तों जो भी मैंने समझाया मैंने उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। चलिए और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और आपका टाइम शुरू होता है अब। आपके सामने थर्ड क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो दोस्तों बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग में से लिया गया है। लेकिन दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना है, एग्जैक्टली आप यहां पर लिख लीजिए। देखिए मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं मैं, और इसे आप यहां पर लिख लीजिए PNUFT। दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि ये कुछ ना कुछ सिमिलर है कि नहीं है। तो आप देखोगे ये यू और यू ये सिमिलर है, तो ये सिमिलर मुझे पता चल गया। उसके बाद ध्यान दोगे तो यहां पर एम है और यहां पर n है, तो यहां पर क्रॉस कर लिया, मतलब m के बाद n है। उसके बाद यहां पर o दिया है, o के बाद p है, तो यहां पर मैंने ऐसा क्रॉस कर लिया मैंने। फिर देखोगे यहां पर s है और यहां पर t है, तो s के बाद t आएगा, और यहां पर e है तो e के बाद यहां पर f आएगा, मतलब ऐसा कुछ पैटर्न चल रहा है। तो देख लेते हैं हम लोग कि इसके साथ कौन सा ऑप्शन मैच होता है। तो यहां पर लिखता हूं दोस्तों CLOC के। जैसे कि यहां पर दोस्तों U और U कॉमन था, मिडिल वाला नंबर सेम टू सेम था, तो यहां पर O है तो O को मैं एग्जैक्टली यहां पर लिख लेता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा दोस्तों, क्रॉस करने वाला हूं, तो L के बाद क्या आता है दोस्तों, M आता है, तो यहां पर मैंने M लिख लिया मैंने, और C के बाद क्या आता है दोस्तों, D आता है, तो यहां पर मैंने D लिख दिया। उसके बाद दोस्तों ये C है तो क्रॉस में क्या आएगा दोस्तों, D आएगा, और K के बाद क्या आएगा दोस्तों, L आएगा। तो ये मेरा ऑप्शन रेडी हो गया। अब मुझे देखना है कि ये जो आंसर मेरा आया है किस ऑप्शन में है। तो ध्यान दीजिए MDO कहां पर है, MDO LD, ओके LD, मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। दोस्तों जो भी मैंने समझाया मैंने उम्मीद करता हूं अब समझ में आ गया है। चलिए और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों आपके सामने और एक क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछे जाते हैं। यहां पर क्या पूछा है दोस्तों, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0121 इज क्या होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हमें ये यहां पर ये पूछा है कि 0.0121 का क्या स्क्वायर रूट आएगा। तो सिंपल लॉजिक है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। आपको पता है कि 121 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 11 होगा, मैंने यहां पर लिख दिया मैंने। उसके बाद हमें देखना है ये कि ये यहां पर डेसिमल दिया है, डेसिमल के बाद कितने
नंबर हैं, तो यहां पर एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर है, टोटल चार नंबर है। लेकिन दोस्तों यहां पर स्क्वायर रूट दिया है तो आधा कर लीजिए, मतलब चार का आधा कितना होगा, दो होगा। मतलब क्या करना है, दो नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है। तो यहां पर एक, यहां पर एक, दो हो गया, यहां पर पॉइंट लगा के ये हमारा आंसर हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हो ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया है। चलिए और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों आपके सामने आखिरी क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों नंबर सीरीज में से है और नंबर सीरीज के जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस से क्या होगा दोस्तों, 90% सम आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, डिफरेंस निकालने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पर 2 दिया है, यहां पर 5 दिया है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, प्लस 3 का डिफरेंस है। फिर देखोगे दोस्तों ये 5 है और यहां पर 11 दिया है, डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, यहां पर 6 का डिफरेंस है। आप दोस्तों इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस देखिए कितना है दोस्तों, यहां पर होगा 12 का डिफरेंस होगा। दोस्तों इन दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 21 का डिफरेंस होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान दोगे तो ये 3 दिया है, ये 6 दिया है, यहां पर 12, यहां पर 21, कुछ लॉजिक मिल रहा है आपको, कुछ भी लॉजिक नहीं मिल रहा है। तो क्या करोगे, इसका भी डिफरेंस निकाल लोगे। तो यहां पर दोस्तों देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो प्लस 3 होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा कितना होगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो दोस्तों यहां पर आएगा आपका 9 आएगा। यहां पर लॉजिक मिल रहा है और लॉजिक मिल गया है तो मैजिक अपने आप हो जाएगा। तो यहां पर 3 है, 6 कैसे हुआ होगा, 3 में मल्टीप्लाई 2 किया हो तो 6 होगा। तो 3 3 जा 9 हो गया और 3 4 जा कितना होगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। अब 21 और 12 को आप प्लस करोगे तो कितना होगा दोस्तों, यहां पर 33 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इस 44 में आप 33 को प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना होगा, 77 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार देते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।